मुझे चाहिए कि गणेश आचार्य बॉयकॉट हो, उसको इंडस्ट्री में कोई काम नहीं दे। वो बहुत घटिया इंसान है, वो डांसरों का पेमेंट भी खाता है, वो बहुत घटिया इंसान है। आई वॉन्ट दैट पर्सन टू बी आउट ऑफ इंडस्ट्री। मोलेस्टेशन से लेकर हर एक चीज़ करता है वो आदमी। बैट तो एक कोई अगर पॉर्न देख रहा है तो आपको समझ में आता है आवाज़ से कि क्या देख रहा है वो बंदा। तो उस ये 3-4 बार मैंने इग्नोर किया। उसके बाद में एक बार उन्होंने मुझे ये वीडियोस ऐसे लिटरली उन्होंने लैपटॉप को ऐसे घुमाया और मुझे दिखाने की कोशिश की। तो और मेरे को बोलते हैं कि देखो ना तुमको भी मज़ा आएगा। ओके सो दिव्या, यू नो शुरुआत से अगर बात की जाए तो हम जानते हैं आपने केस फाइल किया है गणेश आचार्य पे, जो कि बहुत ही गलत चीज़ें की हैं उन्होंने। उसको लेकर हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, क्या किया उन्होंने इसके बारे में। शुरुआत तो देखो बहुत पहले से उन्होंने की है, गलत काम करने की और गलत करने की डांसरों के साथ, लड़कियों के साथ। बट ये चीज़ मैंने अभी रिसेंटली नवंबर में मेरा एक शूट था, उस टाइम पे उनको एक मौका मिल गया। अपने जितने बोलते ना मैं उनके खिलाफ़ जो कंप्लेंट्स करती थी उनका बदला लेने का, तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे नाम का नॉन कॉपरेशन लेटर निकाला, मेरा इफ्टिका का कार्ड कैंसिल कराया। जब मैंने उनसे रीज़न मांगा तो वो लोग कहते हैं कि तुम कोरियोग्राफर के बारे में ऐसा कैसा बोल सकते, जबकि मैंने उनके बारे में सच कहा है। अगर वो पेमेंट कम देते हैं और खाते हैं तो हाँ ये सच है और ये सबको पता है। तो मैंने कोई गलत या झूठ नहीं बात किया है जो मैं कल को प्रूव नहीं कर सकती। और फिर उसके बाद 26 को SGM था, 26 जैन को, तो मैंने सोचा चलो मैं वहाँ पे जाके है ना अब मीटिंग में सबके सामने ये मैटर रखती हूँ, मे बी उस वजह से ना मेरा नॉन कॉपरेशन हट जाएगा। क्योंकि वो चीज़ को 2 महीने हो गए थे और मैं 2 महीने से उन लोग को कंटिन्यू लेटर भेज रही हूँ, उन लोग कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, बोलते कि ये गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, यही सब चल रहा था। और मैं 2 महीने से घर पे बैठी, मेरे पास ना काम है ना अभी, मैं फाइनेंशियली भी लाइक इशू चल रहा है। तो अभी फिर उन्होंने तो मैंने सरोज जी को जाके मिली। सरोज जी को मैंने कहा कि अभी 26 जैन को AGM है, SGM है, तो वहाँ पे आके वहाँ पे मुझे प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट करना, आप मेरी बात करना, मुझे कैसे भी करके मुझे मेरा नॉन कॉपरेशन हटाना है और मुझे काम करना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा मुद्दा उठाऊंगी वहाँ पे, तुम आ जाना। मैंने बोला देखो मेरा नॉन कॉपरेशन लगा हुआ है, मैं आई कॉन्ट एंटर दी हॉल, मैं अंदर नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि तुम आ जाना, बोलना कि मैंने बुलाया है। तो उस चीज़ की वजह से मैं उस दिन गई थी वहाँ पे। और जब मैं वहाँ पे 1 बजे पहुँची तो मुझे किसी ने कहा कि सरोज जी नहीं आए क्योंकि वो बीमार है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं वहीं पे वेट कर रही थी क्योंकि 2-3 लोग मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स थे वहाँ पे अंदर जो मेरे इस टॉपिक को उठाने वाले थे, और उन्होंने वहाँ पे ये टॉपिक उठाया भी। तो उनको कहते हैं कि ये एनी अदर टॉपिक में हम लोग लेंगे, विच वॉज आफ्टर द लंच। तो जब 3:30 बजे लंच हुआ, 3:30 बजे लंच ब्रेक हुआ, तो आई वॉज स्टैंडिंग आउट ओनली। जयश्री आती है चल के, उसके पीछे आते गणेश आचार्य चल के, और जयश्री चिल्लाते हुए आ रही है मेरा नाम और मेरे को वहाँ पे बोलती है तू क्या कर रही है यहाँ पे, ऐसे निकल। मैंने बोला तू हुआ यू टू टेल मी दिस, और वो एकदम गंदे लैंग्वेज में, लाइक वो एक झोपड़पट्टी वाले बात करते ना वैसे लैंग्वेज में वो बात कर रही थी। और बहुत सारे लोग खड़े थे सीनियर्स वहाँ पे। और उसके बाद में वो गणेश आचार्य स्टार्ट हो गया, वो बोलता है तू क्या कर रही है यहाँ पे, तेरे को तो सस्पेंड किया है ना, तू यहाँ पे क्या कर रही है। मैंने बोला मैं अपना पॉइंट रखने आई हूँ, मेरा जो नॉन कॉपरेशन हुआ है मुझे चाहिए कि मुझे नॉन कॉपरेशन हटाया जाए और मैं काम करूँ। तो बोल तो उसको गुस्सा आ गया, उसको लगा कि अभी ये सारी चीज़ें वहाँ पे बोल देगी, और मैं उनके बारे में हमेशा सच बोलते हैं, तो उनको लगा कि माइक में भी अंदर बोलूँगी। तो उन्होंने क्या कराया, लंच ब्रेक के बाद जो टॉपिक निकालने वाले थे उनको लगा मैं अंदर जाऊंगी, रेस होगा ये सब चीज़ें। तो लंच ब्रेक में तो पहली बार तो वो खुद ही भाग गए और वहाँ पे खड़े खड़े उनको ये लोग को इंस्ट्रक्शन देते हैं जयश्री और प्रीति को कि इसको मार और मार के भगाओ इधर से। तो वो लोग दोनों लड़कियों ने मेरे पे हाथ तपाई की, हाथ से भी पैर से भी, उन लोग ने मेरे को मारा वहाँ पर पब्लिकली और गंदे गंदे गालियाँ भी दी। अभी जो कंप्लेन आपने फाइल किया है कौन कौन सी धाराएँ लगाई है और क्या किया? मैंने एक्चुअली जो 26 को जो मेरे साथ में घटना हुई थी मैंने उसी के बारे में कंप्लेंट फाइल की है कि ये लोग ने मेरे साथ में हाथापाई की, और उसका CCTV फुटेज भी है।
वो सब चीज़ें मैं उसी के बारे में फाइल किया है। कंप्लेन तो ऑलरेडी पहले से ही फाइल कर रखी है आपने, सबको पता था। आज किस काम से, मतलब मैं यहाँ पे ना रिक्वेस्ट करने आई थी कि आई वांट लाइक जस्टिस और मुझे FIR दर्ज करना है, तो हम लोग अभी इसी का वेट कर रहे हैं, लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। इस तरीके से भी कहा गया है कि वो आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करते थे, वो बहुत पहले की बात है। एक्चुअली आई वांट टू क्लियर दिस थिंग कि ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। ये अराउंड 2009 और 10 की बात है, जब मैं आई वॉज न्यू इन दिस इंडस्ट्री। उनका ऑफिस होता था कहीं पे अंधेरी वेस्ट में ही, मैं प्रॉपर एड्रेस आपको बताऊंगी। वहाँ पे हमें जाके डांसर्स का चेक कलेक्ट करना रहता था, तो वो वहाँ पे बैठ के लैपटॉप में बैठे रहते थे और वहाँ पे वो देखते रहते थे दैट वीडियोस एंड ही यूज्ड टू शो मी। मतलब आवाज़ तो आ ही जाती थी वहाँ पे, अगर मैं दूर पेमेंट कलेक्ट कर रही हूँ तो एक कोई अगर कौन देख रहा है तो आपको समझ में आता है आवाज़ से कि क्या देख रहा है वो बंदा। तो उस ये 3-4 बार मैंने इग्नोर किया। उसके बाद में एक बार उन्होंने मुझे ये वीडियोस ऐसे लिटरली उन्होंने लैपटॉप को ऐसे घुमाया और मुझे दिखाने की कोशिश की, तो और मेरे को बोलते हैं कि देखो ना तुमको भी मज़ा आएगा, वी कैन एन्जॉय, ये वो ऐसे सब बातें करने लगे। तो मैंने उनको उसी टाइम पे सुना दिया और मैंने कहा कि ये चीज़ अगर आप नेक्स्ट टाइम वापस मेरे साथ करते हो तो मैं एसोसिएशन में कंप्लेंट करूँगी और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करूँगी, और प्लीज़ आज के बाद मुझे यहाँ पे यहाँ से कॉल नहीं आना चाहिए। और मैं वहाँ से मैं निकल गई। तो ये सब चीज़ें उसने दिमाग में रखी है, इतने सारे बातें मैंने उसके बारे में बोली है। जैसे वो 2019 में वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी बन गए, उन्होंने अपनी पर्सनल ग्रजेस निकालनी स्टार्ट कर दी। जब तनुश्री बाहर आई थी, यू नो तनुश्री दत्ता जी बाहर आई, उन्होंने कहा कि गणेश आचार्य भी शामिल थे उनके साथ में जो भी हुआ उसमें, बट उस बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ? नहीं तो आप कभी नहीं आपने चाहा कि मैं भी बाहर निकलूं? नहीं मुझे नहीं मुझे मुझे ये चीज़ को हाईलाइट करना ही नहीं था। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये मैंने पॉन वाली बात आज क्यों निकाली है, क्योंकि मेरे साथ में 26 को लोगों ने बहुत बुरा व्यवहार किया है। पब्लिकली हाथ उठाना से गाली गलौज करना ये बहुत गलत बात है। तुम जनरल सेक्रेटरी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दो गुंडे लड़कियां पालोगे और तुम दूसरे के आंग में छोड़ोगी, चले वो लड़का हो या लड़की हो। तो ऐसा पब्लिकली मेरा इंसल्ट हुआ है, मेरे को बहुत हर्ट हुआ है, इसलिए मैंने ये टॉपिक निकाला है, जबकि ये चीज़ NC में नहीं है। तो NC में वही चीज़ है जो मैंने कंप्लेंट किया है ना पुलिस स्टेशन में, वो वही है जो 26 को हुआ है। ये आप नहीं चाहती कि ये चीज़ NC में हो शामिल ताकि उनको समझ? नहीं, ये चीज़ बहुत पहले की है ना, तो जो 26 को जो घटना हुई उसी के बारे में मैंने बात किया है। फैमिली की तरफ से किस तरीके का सपोर्ट है? थोड़े वो लोग सैड है कि मीडिया में आ रहे हैं, तो मतलब सपोर्टिव नहीं है फैमिली? सपोर्टिव नहीं, वो लोग देखो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो वो लोग थोड़ी हार्ट है। अभी आगे का क्या है, क्या पुलिस स्टेशन में आप आई थी रिक्वेस्ट लेकर, क्या है उनकी तरफ से, क्या बोला है उन्होंने? पूरा इमोशनली आप हो गई है पता है, बट क्या किस तरीके का रिस्पांस अभी मिला है? अभी उन्होंने वेट करने के लिए कहा है, लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। क्या कहना चाहेंगे? मुझे FIR चाहिए, मुझे चाहिए कि गणेश आचार्य बॉयकॉट हो, उसको इंडस्ट्री में कोई काम नहीं दे। वो बहुत घटिया इंसान है, वो डांसरों का पेमेंट भी खाता है, वो बहुत घटिया इंसान है। आई वॉन्ट दैट पर्सन टू बी आउट ऑफ इंडस्ट्री। मोलेस्टेशन से लेकर हर एक चीज़ करता है वो आदमी, बैटिंग करता है, गैम्बलिंग करता है, उसके लिए वो डांसर का पेमेंट खाएगा और ये सब चीज़ें वो पर्सनल ग्रजेस में निकालेगा जस्ट टू बिकॉज ही इज़ FTCA का जनरल सेक्रेटरी, और बाकी सब उधर के FTCA के ऑफिस वाले बैरियर वाले भी उनका साथ दे रहे हैं। या वी नीड द ओल्ड ऑफिस एड्रेस।